और यहां फरमाया कि दो किस्म के लोगों से साबका पेश आता है अल्लाह के रसूल का, एक तो वो जो बहुत चर्ब जुबा हैं, बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं, दूसरी तरफ फरमाया वो लोग हैं जो लंबे चौड़े दावे तो नहीं करते हैं लेकिन रजाए इलाही में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। वह ऐसे लोगों पे अल्लाह बहुत खुश हो जाता है, राजी हो जाता है। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ऐ अहले ईमान दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शाए कदम की पैरवी न करो। दीन एक निजाम है और ये सिर्फ इस्लाम को ये बरकत हासिल, दुनिया में किसी और मजहब और दीन को ये हैसियत हासिल नहीं है कि उसका एक पूरी जिंदगी का एक इज्तिमाई निजाम हो, उसका अपना एक सियासी निजाम भी हो, माशी निजाम भी हो, समाजी निजाम भी हो, उसका एक लीगल फ्रेमवर्क भी हो। ये एजाज दुनिया में किसी और दीन को हासिल नहीं है सिवाय इस्लाम के। है तो फरमाए कि पूरे के पूरे इसमें दाखिल हो जाओ और जहां जहां दाखिल नहीं होगे तो वो खुतवात शैतान हो जाएगा, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। दीन पूरे का पूरा इख्तियार करो इनफिरादी जिंदगी में भी, इज्तिमाई जिंदगी में भी। यहां से साबित हुआ कि दीन को नाफिज करना वो हमारा इज्तिमाई फरीजा है।